हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस सटावा चैनल। आज हम लाभ हानि वो बट्टा गाज अगला भाग छठवां कराने जा रहे हैं। छठवां भाग देखते हैं इसमें क्या है। इन क्वेश्चनों में भी चेंजिंग कुछ मिलेगी, नए नए क्वेश्चन से एग्जाम पूछे गए हैं। और क्वेश्चनों में एक आज नई बात यह है कि इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, बुकों की अपेक्षा देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को एक दो लाइन से या 5 से 10 सेकंड में करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से जो उसका सीपी दिया गया है, सीपी मान ले रहे 100 है, ठीक है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, लागत मूल्य जो उसका 20 था तो मतलब एमपी कितना कर देता है, 120, तो सीपी कितना था 100 कर देता है। तो वो और उस पर 5% की क्या देता है, उस पर 5% की क्या दे देता है छूट दे देता है। 5% क्या देता है, छूट। तो वो पूछ रहा है वस्तु का, उस पर 5 छूट दे देता है। तो उसको पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ध्यान से, अब देखो हमारे एमपी कितना था, 120, सीपी 100, ठीक है। अब 5% छूट दे रहा है, और छूट किस पर देगा, एमपी पे देगा, तो 95 हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा 95। तो हम निकालेंगे उस पर लाभ, पूछ रहा है तो लाभ बराबर 95 × 120 / 100 करेंगे, इसे काट लो तो 5 × 20 = 19, ये कट जाएगा कितने बार, 0 × 0 = 6, तो ये हो जाएगा हमारा 19 × 6। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो उस पर 5% छूट देता है, उस पर 5% की क्या देता है, छूट देता है। तो 19 × 6 कितना आ जाएगा, 114। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली बात ये है कि अगर देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा था लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ कभी भाई 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 114% तो हम कैसे कर सकते। तो याद रखो, जो हमने सीपी माना था, सीपी कितना माना था, 100, क्योंकि लागत मूल्य पर, लागत मूल्य से 20% अधिक, लागत मूल्य हमारा कितना था 100, और भाई अंकित मूल्य हमने किस पे किया था, 100 पे किया था, 120, इनमें अंतर करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 14% का क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, क्या निकलेगा, लाभ। ये पूछ रहा था कि वस्तु को भाई सीपी 100 है, सी ठीक है, एमपी 20% अधिक कर दिया, तो एमपी भी हम 100 लेके चल रहे, 20% अधिक किया तो ये हमारा कितना हो गया, 120। अब उसने कहा उसी पर 5% छूट देता है भाई, तो भाई 100 पर 5% निकाले तो 95 हो जाएगा हमारा, तो 95, तो हमारा 95 × 120, और लाभ बराबर क्या होता है हमारा, 95 × 120 = 100 निकाले, 19 × 6 = 114 आ गया, 114 तो भाई लाभ हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, जो हमने सीपी माना था 100, ये एमपी से कंपेरिजन करेंगे तो हमारा कितना है, 14% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, किसी पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10%, मतलब क्या कह रहा है, कोई विक्रेता है, भाई दुकानदार है, पुस्तक बेच रहा है, तो उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, ठीक। और उसने ये कहा है छूट दी, तो उसे प्रकाशक से, जो छापने वाला होता है प्रकाशक से 30% का कमीशन मिलता है, 30% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो वो कह रहा है कि कोई भाई ध्यान समझो, एक पुस्तक विक्रेता, कोई दुकानदार है, दुकानदार ने क्या किया, भाई अंकित मूल्य जो था उस वस्तु का, मान ले अंकित मूल्य हमारे एमपी कितना है, 100, कितना है 100, ठीक, 100 पर उसने कहा 10% का क्या दे दिया, 10% उसने छूट दे दी, तब कितने की हमारी 90, ठीक, 90 दी। तब उसने क्या किया, तब उसके बाद क्या किया, प्रकाशक जो मतलब बुक्स जो पुस्तकों को छापता है, जिसने वो तैयार किया, उसने क्या किया, 30% का कमीशन उसे दिया, वही 30% का कमीशन देगा तो 70 बनेगा हमारा, 100 पर 30 का अगर कमीशन दे रहा तो कितना नहीं, 70। आप देख लें यहाँ पर, तो इन दोनों डिफरेंस कितना निकल रहा है, 20 का, ठीक, इन दोनों डिफरेंस किसका निकल रहा है, 20 का। तो हमारा भाई पूछ रहे हैं आप इसे लाभ बताओ, तो लाभ हम क्या निकालेंगे, जो 30% का कमीशन दिया उसी पर लाभ निकालें, 70 × 20 × 100, तो हमारा हो जाएगा 200/7, इसे काटेंगे तो हमें निकल आएगा 7 × 2 = 14, ठीक, 6 × 7 = 56 और 7 × 5 = 35, 18.5% का क्या हुआ,
18.5% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक, तो देखो ध्यान समझने पर कोई वस्तु हमारी अंकित मूल्य पर उसने क्या किया, 10% का छूट दी, तो 10 से भाई 100 पे 10 निकालना भी निकलेगा। तभी उसने क्या कहा, तभी उसने कुछ जो बुक्स विक्रय था, मतलब जो बुक्स को छापता है, जो बनाता है, जो तैयार करता है, उसने क्या किया, उसे 30, जब वो 10% का छूट दे रहा है, उसे 30% से कमीशन देना है, और समझा। तो जब 100 पे 30 देगा तो 70 बनेगा हमारा। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, देखो यहाँ पर छूट दी थी 90 बना, यहाँ पर कमीशन दिया 70, तो 20। तो भाई उसे अगर यहाँ से हम प्रॉफिटेशन देखेंगे, उसे लाभ चेक करेंगे, तो 20 निकलना है 20%। ठीक, तो हमने क्या किया, 70 बराबर 100, 70 बराबर 20 × 100, तो 200/7 और 18.5% का उसे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक मकान ठीक, एक मकान एक्स परसेंट की छूट पर, एक्स छूट पर, एक्स परसेंट की छूट पर, एक्स परसेंट की छूट देकर देकर एक्स परसेंट की छूट देकर 22 रुपये में बेचा गया। ठीक, तो उसका सूची मूल्य बताओ क्या होगा, उसका सूची मूल्य बताओ, सूची मूल्य बताओ, सूची मूल्य बताओ। तो देखो ध्यान से, बहुत सरल है, एक्स परसेंट की छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है, एमपी पर, 100 है हमारा भाई, एक्स परसेंट छूट देगा तो क्या होगा, 100 - x हो जाएगा, सभी जानते हैं 100 - x हो जाएगा। ठीक है, अब उसने 22 रुपये में बेच दिया, तो 100 - x बराबर क्या होता है, बाई वैल्यू दी जाएगी इंटू 100 करेंगे। क्या किया इसने, एक्स रुपये में बेचा, एक्स मतलब उसने छूट दे रहा है, एक्स की छूट दे रहा, तो 100 - x हो गया। ठीक है, 22 रुपये में बेचा, तो भाई 100 ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 100 - x प्रतिशत बराबर 22, तो 100 इधर आ जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 22 × 100 - x, तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मेशन, 22 × 100 - x। ये एग्जाम क्वेश्चन दिया गया 2019 में पूछा गया, तो इसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो मैं कन्फ्यूज करने के लिए वो यहाँ x भी रख सकता है, यहाँ पर x y इकट्ठा कर सकता है। तो देखो ध्यान समझो, x परसेंट का भाई एमपी पर क्या छूट दे रहा, तो 100 - x हो गया। हम जानते हैं छूट हमेशा 100 में हम लोग माइनस करते, तो हमने माइनस किया। अब पूछा 22 रुपये में बेच रहा है, तो 22 रुपये में जब बेचेंगे तो यहाँ की परसेंट निकालेंगे, तो 100 इधर गुणा कर देंगे, 100 × 100 - x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यापारी, ठीक सेकंड भाग है, कोई व्यापारी, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर, अपनी चीज़ों, अपनी चीज़ों पर क्रमागत क्रय मूल्य, क्रमागत क्रमागत क्रय मूल्य, क्रमागत क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 20%, क्रमागत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है। ठीक, कोई व्यापारी क्या करे, क्रमागत क्रय मूल्य मतलब क्रमागत जो अपना कॉस्ट प्राइस होगा उसका 20% अधिक करता है अंकित, क्या करता है 20% मार्जिन, मतलब जो भी मान ली 100 रुपये की वस्तु है तो वो क्या करेगा, अंकित 120 का करेगा। ठीक, अंकित करता है, तो वह अपने ग्राहक को, तो वह अपने ग्राहक ग्राहक को ग्राहक को इस ग्राहक को इस अंकित मूल्य अंकित मूल्य पर 8% का क्या देता है, बट्टा देता है, 8% का बट्टा देता है, देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ बताओ, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में अच्छे तरीके से,
देखो सबसे पहले ध्यान से ये समझना है कि किसी वस्तु पर अपनी चीज़ों पर क्रमागत क्रय मूल्य, क्रमागत क्रय मूल्य मतलब जो कोई कॉस्ट प्राइस है, मान ली कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 100 है, ठीक है ठीक। तो क्या करता है 20% अधिक अंकित अंकित मूल्य कर देता है, मतलब उसमें जो मार्क प्राइस है वो 20% अधिक बना देता है। तो जब अधिक बनाएगा तो श्योर हमारा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120। अब उसने ये कह दिया 120 जब हो रहा है सीधे, उसके बाद अपने ग्राहक को, जब वो अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर बेचता है तो 8% का छूट देता है। तो भाई जब 8% छूट, तो इसका हम 8% अगर हम छूट निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 120 गुणे 8 बटे 100, तो हम निकालेंगे 96, 100 तो हमारा 9.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.6 आ जाएगा, कितना 9.6 आ जाएगा, कितना आएगा 9.6 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब वो व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, 100% का उसने क्या किया, ये वो 20% का उसने अधिक अंकित किया, 120 हो गया, 120 का जब 8% निकाले तो 9.6 निकलेगा। इन दोनों डिफरेंस चेक करो कितना निकलेगा, तो 10 में 6 गया 4 और 11 9 20, तो 11.4 हो जाएगा, 11.4। अब देखो ध्यान से, हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था 100, कितना माना था 100, वो लाभ पूछ रहा है। देखो लाभ हमेशा या तो कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा हमें या मार्क प्राइस, तो इन दोनों में देखे जाए, हमने 100 की वस्तु मानी थी और हमें वस्तु जो टोटल मिल कितनी रही है इतनी, तो क्या करेंगे, तो हम 100 जो हमारा टोटल निकल के आएगा 11.4 माइनस 100 करेंगे तो हमारा निकलेगा 10.4, कितना निकल के आएगा 10.4, 10.4 का उसे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन में याद रखना, यही थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन और टेस्ट है, क्योंकि जो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है ये, इसमें दोनों में अंतर कितना है, तो 10.4 का, तो वो से लाभ कितना होगा 10.4% का क्या हो जाएगा इस वस्तु पर उसे लाभ हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, 100 का भी 20% ज़्यादा कमा रहा था, 120 का 8% निकला, 9.6 निकला, इसे हमने माइनस कर दिया इससे, तो 11.4 आ गया, ठीक है। उसमें हम दोनों डिफरेंस चेक करेंगे, 10.4% का क्या होगा उसे लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति अपनी चीज़ को मंडी में मतलब जहाँ भाव लगता है, मंडी में क्रय मूल्य 10% अधिक कर देता है, 10% अधिक कर देता है, ठीक। तो यदि वो 10% का बट्टा देता है, यदि वह उसी समय 10% का बट्टा देता है तो लाभ हानि बताओ, तो लाभ हानि लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक, देखो क्वेश्चन का टॉपिक्स हुए, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी चीज़ को मंडी में, जो मंडी है जहाँ बस भाई हमारे जो खाद्यान्न है, बीज भंडार होते हैं, लगभग जो हमारे गेहूँ है, धनकार जो बेचा जाता है, मंडी में क्रय मूल्य 10% अधिक कर देता है। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है 10% अधिक क्रय मूल्य कर देता है, मतलब CP पर 10% अधिक नोट कर देता है, उसी समय वो 10% का क्या देता है बट्टा देता है, ठीक। तो पूछ रहा है, तो भाई CP 100 था, ठीक है, अधिक अंकित कर देता है, तो 100 पे भाई अधिक करेगा तो 110 हो गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, 10% का वहाँ पर क्या कर रहा है बट्टा दे रहा है, तो भाई जब उसके 10% निकालेंगे हम लोग, कितना निकालेंगे, 10% निकालें तो कितना निकलेगा, 110 गुणे बटे 100, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 11, कितना आ जाएगा 11, तो हमारा कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ डिफरेंस चेक करो कितना निकल रहा है, ठीक, अगर 10 में यहाँ से घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा कितना निकल के आएगा 89, कितना निकल के आएगा 89। 10% का अगर वो 10% निकाल रहा है, 110 हो गया, मैं 10% अधिक अंकित करता तो हमारा कितना निकल के आएगा 89। अब यहाँ से ये देखना है
उसने ये कहा था कि 10% अधिक डिनोट करता है, 10% अधिक करता है, तो हमने क्या किया 110 का ये निकाला तो 11 निकला, हमारे यहाँ आ गया तो ये 89 हो गया, तो 9 के 10 60 तो 89। अब देखो ध्यान से इस वस्तु पर चेक करें, ध्यान से इन दोनों अगर हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो अगर हम 100 में से 89 घटाएँगे तो हमारे कहते एक यहाँ कभी 9 में 60 की तो 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर वो 11%। अब देखो ध्यान से हमने अभी तुम्हें बताया था जस्ट, क्योंकि जब भी अगर माइनस करेंगे तो इस वस्तु में से जब इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 89 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे क्या तो माइनस का 11 निकलेगा, कितना निकलेगा माइनस का 11। तो याद रखना जब वस्तु भाई हमारी माइनस में जा रही तो माइनस में आ रही तो क्या होगा उसे हानि होगी, क्या होगी उसे हानि होगी, तो उसे 11% की क्या होगी हानि होगी। तो ऐसे हमने क्यों बता दिया, देखो अगर एग्जाम से अगर तुम लैंग्वेज से क्वेश्चन करोगे वो एक क्वेश्चन है वो ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है वो टफ हो जाएगी, तो हमने क्या किया 100 भाई था तो 10% का उसने अधिक अंक थी 110 हो गया, ठीक है 110 का उसने क्या है 10% निकाला तो हमारा कितना निकल गया 11 निकल के आ गया, कितना आ गया 11 निकल के आ गया। जब 11 निकल गया तो भाई इनका डिफरेंस भी तो रखना पड़ेगा, 89 निकला, अब 89 को देखो 100 से कंपेयर करो, बस तुम्हारी भाई जो कॉस्ट प्राइस थी 100 थी और बस तुम्हें निकल के तेरी 89 की, उससे लॉस कितना हो रहा है 11% का, तो भाई यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाए उसे 11% की उसे हानि हो गई। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है एक दुकानदार अपनी साड़ियाँ, एक दुकानदार दुकानदार अपनी साड़ियाँ एक दुकानदार अपनी साड़ियाँ के लागत मूल्य से साड़ियाँ जो का जो मूल्य है लागत साड़ियों का मूल्य है जो लागत मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक, बहुत होशियार दुकानदार है 20% अधिक अंकित किया उसने, क्या किया अंकित करता है, ठीक है अंकित करता है। उसके बाद उसने क्या किया उसी पर नगद खरीदार को उसी समय उसने कंडीशन लगी उसी समय उसने एक शर्त रखी कि नगद खरीदार को 10% का बट्टा दिया जाएगा। क्या क्या उसने कह दिया कि 10% का बट्टा दिया जाएगा, तो पूछ रहा लाभ क्या होगा उसे। देखो क्वेश्चन अच्छा है कि एक दुकानदार है कोई वस्तु अपनी कोई साड़ियाँ हैं उसकी, ठीक साड़ियों का जो मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, उसी समय उसने एक कंडीशन और रख दी, ये कह दिया कि अगर साड़ियों को जो खरीदेगा नकद खरीदार एक शर्त रखी कि नकद खरीदार को 10% का बट्टा दिया जाएगा, तो भाई नकद खरीदार में भाई कोई पहुँचेगा ना, हम ही पहुँच रहे तो हम क्या करेंगे 100 हमारी कॉस्ट प्राइस थी मान ले रहे, तो हमने क्या किया 20% का उसने क्या दिया हमें अधिक अंकित करके कंप्लीट करी वीडियो जो साड़ी थी 120 बना दी, ठीक अब उसने ये कह दिया हम खरीदने पहुँचे तो उसने कहा 10% का बट्टा देंगे, तो भाई 10% इसका हम निकालेंगे तो हमारा 120 का अगर 10% निकालो तो 0 से 0 0 0 12 रुपये आ गया, 12 रुपये निकलाएगा, ठीक कितना निकलेगा 12, ठीक जब 12 आ जाएगा तो उसने देखो ध्यान समझना, जब 12 आ जाएगा तो भाई इनका डिफरेंस चेक करो कितना निकल रहा है हमारा, इनका हम डिफरेंस चेक करेंगे तो देखो वस्तु की हम डिफरेंस चेक करेंगे तो उसने कहा 12, ठीक है अगर हम 12 करेंगे डिस्काउंट तो हमारा कितना निकल रहा है इसमें देखो ध्यान से 100 यहाँ पर जाएगा तो क्या निकलेगा 108 ये तो बनेगा टोटल क्या बनेगा 108। उसने शर्त रखी थी अगर कोई नकद तुरंत खरीदेगा तो 10% का छूट देगा, 10% क्या देगा छूट देगा, जब 10% को भाई नकद पे कोई छूट देगा तो श्योर है उसे फ़ायदा ही होगा, तभी उसने शर्त रखी होगी और शर्त दुकानदार तभी रखता है जब उसे प्रॉफिट होता है। अब देखो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, हमें मिल कितना रहा है 108 ज़्यादा मिल रहा है तो 108 -100 बराबर 8%, 8% का उसे क्या होगा 8% का उसे लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। तो दुकानदार कितना होशियार है, हमने भाई खरीदी तो भाई 10% उसने बट्टा में दे दिया, तो हमने ठीक है हमें वो समझ गए हमें 108 में हमें साड़ी पड़ेगी। अब उसने हमने ये नहीं उस समय समझा कि जब भाई 100 की साड़ी थी तभी उसे 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे, कितने मिल रहे 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे, तो हम खरीद लेते तो उसे क्या होगा वो सोचेगा 8% का हमें तब भी फ़ायदा यहाँ
100 पर 8% का फायदा हुआ तो वो देख लेगा कि हमें इसमें लाभ हो रहा है, तभी उसने कंडीशन रखी थी शर्त नगद खरीदार को ही 10% का बट्टा दिया जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एक व्यापारी क्या करता है, एक व्यापारी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एस पी सी पी से 10% एस पी है जो सी पी से, देखो सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से 10% अधिक है, कितना 10% अधिक है, 10% अधिक है, ठीक अधिक अंकित करता है। क्या कर रहा है, कोई व्यापारी है, क्या कर रहा है, अपनी कोई सेलिंग प्राइस उसकी बनी होगी, सेलिंग प्राइस उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक अंकित कर दी, तभी उसने उसके मन में विचार आता है कि बेचते समय उसके विचार आता मन में, अगर हम बेचते समय 1% की अगर हमें हानि होती है, 1% की हमें हानि होती है, तो उसकी कमी क्या होगी, तो कमी क्या होगी। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, कोई कॉस्ट प्राइज है, ठीक है, फिर मार्क प्राइस बना, फिर सेलिंग प्राइस। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस हमने कितना ले लिया, 100, ध्यान समझना, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है अंकित करता है, तो सी पी भाई 10 था तो हमारा ये 110 हो जाएगा, ठीक, सी पी हमारा 100 था, एम पी क्योंकि अंकित कर रहा है, मार्क प्राइस बना रहा है, किससे, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है भाई, मार्क सेलिंग प्राइस से 10% अधिक है, तो भाई 1% की हानि हो रही थी, कितनी हो जाएगी, 99 होगी कि नहीं, समझना ध्यान से, क्या कर रहा है उसने, क्या किया क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया उसने, कहा क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कोष मतलब कोई वस्तु का लागत मूल्य जो है सेलिंग प्राइस से 10% अधिक करता है, तो हमने सी पी कितना मान लिया, 10, सी पी कितना मान लिया हमने, 10 मान लिया, उसके बाद मार्क प्राइस 110 अंकित कर दिया उसने, अब उसने ये कहा कि लास्ट में आके 1% की अगर हमें हानि होती तो उसे कमी क्या होगी, तो 99 हो जाएगी 1%, 100 पर भाई 1% अगर हानि होती तो हमारा कितना होगा, 99 होगा। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में यही चेंजिंग है बस, इस बीच में देखो चेक करो तुम्हारा क्या 1% निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हमारी वस्तु कितनी थी 100 की, वस्तु बीच कितने में रही है, 99, तो 1% क्या होगी उसे, 1% क्या हो जाएगी उसे, हानि हो जाएगी, 1% की क्या होगी उसे, हानि होगी, तो वो कह रहा है भाई तो 100 रुपये की कोई कॉस्ट प्राइस वस्तु है तो 1% की क्या हो जाएगी उसे, हानि हो जाएगी, तो बस थोड़ा और एक ट्विस्ट इसमें क्वेश्चन में, देखो हमने क्या किया, तो वस्तु थी भाई देखो यहाँ से यहाँ, ठीक, और यहाँ से यहाँ, 10% का उसे क्या हुआ, अधिक अंकित किया, 10% उसने क्या किया, अधिक अंकित किया, और यहाँ पर इससे 1% की कमी कर दी, 1% की कमी कर दी, और 100 का अगर हम 1% निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, बनी तो निकलेगा, तो भाई 100 था तो कितना रह जाएगा, 99 रह जाएगा, तो हमने कोई 99 सेलिंग प्राइस रख दिया, तो अब देखो यहाँ पर वस्तु हमारी बनी लागत मूल्य 100 थी और बेची कितने में, 99 में, तो हम जान गए 1% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही, हानि हो रही है, तो बस बस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम देखें, आसानी से करेंगे और क्वेश्चन को लगातार लगाते रहें, और क्वेश्चन का कोई डाउट हो पूछते रहें और जम के लगे रहें।